ना भी समझ में आए तो मम्मा वगैरह से पूछ सकते हो, और जिसकी नहीं समझ में आता अगर उस पर हिम्मत है स्कूल आने की तो स्कूल आ जाए। डेली नहीं, जैसे कि पूछने के पर्पज से, क्योंकि हम लोग घूमते यहाँ रहते हैं ना स्कूल में भाई 11 बजे तक। आप लोग आ जाओ, जिसकी समझ में नहीं आता अपनी बुक्स लेके कॉपी लेके आओ, टीचर से पूछो, वापस से ले जाओ सेफ्टी के साथ में, ठीक है। सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थर्ड क्लास, अभी मैंने आपको क्या क्या कराया था इसमें बुक्स में, अपना एक पहले पार्ट वन डालते हैं, पार्ट वन के चैप्टर का नाम है, जो बच्चा सपना देखता है उसके। तो मैंने क्या क्या करा दिया था आपको, सब नाम करा दिए थे। बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय कराए थे मैंने, ये देखिए बहुविकल्पीय करा दिए तो ठीक, और नहीं कराए तो एक बार फिर देख लीजिए वापस से क्या कहना है। सही उत्तर का, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक बार अपनी नोटबुक, अपनी बुक ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। ओपन करके पेंसिल हाथ में ले लीजिए। कल ही मैंने एक चीज़ बताई थी, अब देखो बालक ने अपने सपने में किसको देखा, टिक लगा दिया, चंदा मामा को, ईश्वर को या सूरज को। ईश्वर को देखा बालक ने सपने में, तो आप टिक लगाइए ईश्वर पे। सेकंड नंबर, ईश्वर ने बालक को क्या दिया, फल, मिठाई या ज्ञान। क्या दिया, ज्ञान दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आप टिक लगाइए ज्ञान पे। सेकंड आ जाइए, बालक ने ईश्वर से क्या मांगा, क्या मांगा बालक ने ईश्वर से, खिलौने और मिठाई या ज्ञान और भक्ति। क्या मांगा बालक ने, क्या मांगा, ज्ञान और भक्ति। सेकंड नंबर टिक लगा लीजिए, हो गया गुड। अब ये सपना पूरा करने के लिए बालक ने क्या किया, क्या किया, सपना पूरा करने के लिए बालक ने क्या किया, वचन लिया, विचार किया, संकल्प किया, क्या किया, संकल्प किया। बच्चे ने संकल्प लिया कि सपना तो मैं पूरा भी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप चरित्र चित्रण हास्य स्पष्ट कीजिए, इसको हमने ड्रॉप कर दिया है, इसको कल बताएंगे आप, ठीक है। छोड़ दिया मैंने, अब ये जो है नीचे अड़ाव अड़ाव पे आ जाइए। चरित्र चित्रण क्या है, ये अड़ाव
क्या है ये? नेक बनने के, नेक बनने के पांच गुण लिखिए। क्या कह रहा है? पांच गुण लिखिए। अब बता दें आपको क्या होते हैं पांच गुण? नेक इंसान बनने के लिए हमें ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन हमें बखूबी करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं? सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों की जो भावनाएं होती है उनका सम्मान करना चाहिए। सभी के प्रति दया और भाव रखना जरूरी है। क्या है? दूसरों के प्रति यानी सभी के प्रति भाव और सम्मान रखना जरूरी है। दया का भाव रखना जरूरी है। फिर लाइन क्या कहती है? हमें अपनों में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हमें अपनों में मिलजुल कर यानी अपने जो लोग होते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। परिवार के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सबसे प्यार से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या कह रहे हैं? भाषा ज्ञान। क्या है? भाषा और ज्ञान। पहले पांच गुण लिखवाई देती हूँ आपको, आप लोग अपनी भी कॉपी पर कर तो देखिए। ये देखिए फर्स्ट नंबर, हमें सम्मान
बाकी का ये अब कल को आपको करवाएंगे। आज का टॉपिक यही था।